कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे ये नामदार के पिताजी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। देखा ये कांग्रेस का जादू, दिल्ली से रुपया निकलता है गांव में पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। ये मैंने नहीं कहा, नामदार आपके पिताजी ने कहा था, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी जी ने कहा था। अब सवाल ये उठता है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस के सिवाय कहीं किसी का झंडा नजर नहीं आता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक चक्री कांग्रेस का राज था, ऊपर से नीचे तक सब कांग्रेस के लोग राज कर रहे थे। उस समय आपके पिताजी ने कहा था कि दिल्ली से रुपया निकलता है 15 पैसा हो जाता है। जरा नामदार जवाब तो दो, वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस घिस करके 15 पैसा बना देता था? वो कौन सा पंजा था जो हिंदुस्तान के गरीब के हक के 85 पैसे लूट लेता था? भाइयों बहनों, और ये लूटने की उनकी पक्की व्यवस्था थी। ये मोदी पर इतने गुस्से क्यों करते हैं मालूम है आपको? इतने नाराज क्यों हैं? बार बार मोदी को अनाप शनाप भाषा में क्यों संबोधित करते हैं मालूम है ना? क्योंकि उनको पता है उनकी मुसीबत का कारण ही मोदी है। क्योंकि पहले रुपया निकलता था 15 पैसा पहुंचता था, मुफ्त का 85 पैसा मिलता था, ये मोदी ने आकर के आधार लाया, जनधन का अकाउंट खोला, आधार के आधार पर वेरिफिकेशन किया, जांच की। आप हैरान हो जाएंगे, हमारे देश में 6 करोड़ लोग ऐसे मिले कि जिनका कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन किसी को विधवा पेंशन जा रहा था, किसी के नाम पर राशन जा रहा था, किसी के नाम पर घर आवंटित होता था, किसी को मिट्टी के तेल की सब्सिडी मिल जाती थी, और ये सारे रुपये कमाने की उनकी बहुत परफेक्ट साइंटिफिक व्यवस्था थी। अब मोदी ने आकर के टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, आप हैरान हो जाएंगे, जो बेटी अभी तक पैदा नहीं हुई वो बेटी कांग्रेस के दफ्तर में विधवा भी हो जाती थी और कांग्रेस की सरकार में उसको पेंशन भी चला जाता था। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो स्कूल में भर्ती हो जाता था, उसके नाम पर मध्याह्न भोजन का बिल बन जाता था, उसके नाम पर स्कॉलरशिप चली जाती थी, और माल कांग्रेस की सरकारों में बैठे हुए लोग खाते थे। मोदी ने आके क्या किया? टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और लोगों को कहा कि आपके हक का पैसा कोई बिचौलिया नहीं, कोई बीच में झोला छाप नहीं, कोई नेता नहीं, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में जमा हो जाएगा। और उसमें 6 करोड़ लोग ऐसे ध्यान में आए कि जो मौजूद ही नहीं है लेकिन राजीव गांधी के जमाने से अब तक माल खा रहे थे। और आपको खुशी होगी भाइयों बहनों, जब दिल्ली में ईमानदार सरकार बैठी है तो देश के चोरी होने वाले 90,000 करोड़ रुपया, याद रखिए 90,000 करोड़ रुपया जो इस प्रकार से गलत नामों से चोरी कर लिया जाता था, इसको ये मोदी सरकार ने रोक लिया है। जिनका 90,000 करोड़ गया वो क्या मोदी को गाली देगा कि नहीं देगा? मोदी पे गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? मोदी पे नाराजी होगी कि नहीं होगी? भाइयों बहनों, ये नाराजी ये गुस्सा इसी बात का है। 90,000 करोड़ रुपया सालाना
हिंदुस्तान के गरीब का हक का पैसा लूट लिया जाता था। हमने इसको रोका है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ऐसा काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश के रुपयों को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? गरीब के हक का पैसा गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मध्यम वर्ग के हक का पैसा मध्यम वर्ग को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देश के किसानों का हक का पैसा किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देश के युवा के सपनों के लिए हिंदुस्तान का पैसा काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाइयों बहनों, ये बात नामदार को पसंद नहीं है, उनको तकलीफ हो रही है।